गुजरातना तत्कालीन मुख्यमंत्री अने देशना वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदीना प्रयास अने दीर्घदृष्टिवंत नेतृत्व में रमत गमत क्षेत्रे महत्वपूर्ण प्रकल्पोनी शुरुआत थई हती। तेमानो एक प्रकल्प एटले खेल महाकुंभ। खेल महाकुंभनी साथे राज्य में रमतगमत क्षेत्रे माळखागत सुविधा में पण वधारो थयो छे। त्यारे गुजरात ने प्रथमवार राष्ट्रीय रमोत्सवना यजमान बनवानु सौभाग्य प्राप्त थयु छे। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले आ गौरवपूर्ण जाहरात करता जणाव्यु के आगामी तारीख 27 सप्टेम्बर थी तारीख 10 ऑक्टोबर दरमियान गुजरात में 36मो राष्ट्रीय रमोत्सव योजाशे। राज्यना 6 महानगरो अमदावाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट अने भावनगर में आ 36मा राष्ट्रीय रमोत्सवनी विविध 34 जेटली रमतोनू आयोजन थशे। राष्ट्रीय रमोत्सव में हिस्सेदारी ए दरेक रमतवीरनू एक स्वप्न होय छे। जेम के आवा रमोत्सवों तेमनी प्रतिभा प्रदर्शित करवा, अगाउना कीर्तिमान रेकॉर्ड ब्रेक करवा अने नवा सिद्धि सीमाचिन्हों कीर्तिमान सर करवानू सक्षम मंच प्रदान करे छे। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेलना नेतृत्व अने खेलकूद, युवा बाबतों तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तिओना मंत्री श्री हर्षभाई संघवीना मार्गदर्शन में गुजराते आ 36मा राष्ट्रीय रमोत्सवनी ज्वलंत सफलता माटेनी तैयारीओ आयोजन सक्षमतापूर्वक शुरू करी दीधा छे। अत्रे ए निर्देश करवो जरूरी छे के आ प्रकारनो राष्ट्रीय रमोत्सव छेला 2015मा केरळमा योजायो हतो। कोरोना रोगचाळा सहित विविध कारणोसर आ रमतो अत्यार सुधी मुलतवी राखवामां आवेली हती। गुजरातना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले 7 वर्षना लांबा अंतराल बाद योजाई रहेला 36मा राष्ट्रीय रमोत्सवना यजमान राज्य बनवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने करेली दरखास्तनो तेमणे सहर्ष स्वीकार करियो छे। आना परिणाम स्वरूपे 36मा राष्ट्रीय रमोत्सवनू गुजरातमा आयोजन थवानू छे। आ रमोत्सवमा एथलेटिक्स, हॉकी, फूटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जूडो, खो खो, कुश्ती, कबड्डी अने मलखम तथा योगासन जेवी विविध रमतोनो समावेश करवामां आव्यो छे।